तो आज मैं आप सबके लिए पकाने वाली हूँ चिकन फिंगर। तो ये एक बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी स्नैक्स है जो आप इवनिंग में या बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी नया नया रेसिपी आप देख सको। थैंक यू दोस्तों, आइए देखो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ किया है, लगभग ये 40 ग्राम है। मैंने इसको फिंगर के शेप में इसको काट लिया है। मसालों में मैंने यहाँ पे सॉल्ट 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये रहा हमारा अदरक का पाउडर, यहाँ पे सूजी और आटा, प्लेन जो फ्लोर आते हैं आप उसको ही लीजिए, यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है, यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है, थोड़ी सी मिल्क 1 कप, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, 1 अंडे, ये हमें नींबू चाहिए आधा और आधा हम लोग गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, सोया सॉस लगभग 1 चम्मच यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑरिगेनो लिया है, ऑरिगेनो 1 सेसन है, 1 सिंपल ऑरिगेनो है और यहाँ पे मैंने कुछ सैलड काट के रखे हैं जिसको हम लोग गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे पकाया जाए। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये नींबू को कट कर लेंगे, हमें आधा ही चाहिए, आधा हम लोग गार्निशिंग के लिए रख देते हैं, आधा इसका जूस निकाल लेते हैं। लगभग हमें 1 चम्मच जूस चाहिए जो कि काफी है हमारे चिकन को टेंडर करने के लिए। यहाँ पे हमने 1 चम्मच लाइम जूस यूज किया है। पहले हमें मैरिनेशन करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मसाला ऐड करते हैं, जैसे कि सॉल्ट, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, और लगभग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सोया सॉस, हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अंडे को हमें 1 ही अंडा चाहिए, ज्यादा नहीं, हाफ पोर्शन हम लोग रख देंगे और लगभग 1/3 हम लोग रख लेंगे और ये थोड़े से अंडे हम लोग इसमें मिलाएंगे, फिर इसको अच्छे से मैरिनेट करके 15 to 20 मिनट हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। उसके बाद इसके आगे के प्रोसेस हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक ये हमारे वो मैरिनेट किया हुआ चिकन तैयार होता है तब तक हम लोग जो सूजी और आटे का मिक्सचर है ये तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस आधा चम्मच सॉल्ट, जिंजर पाउडर जो बचा हुआ था हमारा, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर बस चुटकी भर, जीरा पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर बस चुटकी भर और कश्मीरी मिर्च चुटकी भर। चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च, हमारा जो ओरिगैनो था इसको हम लोग नाप के हिसाब से बस आधा चम्मच लेना है हमें। इससे चिकन को बढ़िया फ्लेवर मिलेगा, तो आपको अगर मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो आटे के मिक्सचर है ये तैयार है, और ये मैंने जो 20 मिनट पहले इसको मैरिनेट करके रखा था, मेरे चिकन भी तैयार है। अब यहाँ पे जो हमारी कॉर्नफ्लेक्स है इसको हम लोग हाथ से थोड़ा चूरा बना लेंगे। जैसे कुछ नहीं, आप बस हाथ में लो और इसको जस्ट लाइक दैट ऐसे ही आप क्रश करो इसको। ये थोड़ा सा छोटे पीसेस में हो जाए तो ये चिकन में अच्छे से मिल पाएगा। तो दोस्तों अब रेडी है दूसरे पीस लेके। मैंने इसको भी आटे में पहले कोट करके फिर एग में इसको डीप कर रही हूँ। देन थोड़ी सी इसमें आटा का स्प्रिंकल, देन इसमें हमारे जो ये टूटे हुए कॉर्नफ्लेक्स है इसको अच्छे से कोटिंग देना होगा। आप इसको अच्छे से कोट करो, बस दोस्तों। अब इसी तरह हमें सारे पीसेस तैयार करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है चिकन के पीसेस को, और यहाँ पे मैंने पहले से ऑयल को हीट करने के लिए रख दिया था। अब हमें चेक कर लेना है कि हमारे ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ना हो। अब हम लोग लगभग ये मीडियम हीट पे था तो अब ये ठीक है। अब इसको एक एक पीसेस वन बाई वन अब हम इसमें ऑयल में छोड़ देंगे। इसको इसे हमें जलाना नहीं है, बस इसको धीरे धीरे फ्राई करना है। फ्रेंड्स, मैं तो कहूंगी आप बस आज ही इसको ट्राई करो और अपने बच्चे के साथ आप प्लीज इसको एंजॉय करो। देन प्लीज आप कमेंट्स जरूर देना कि इसकी जो आपका रेसिपी है ये कैसे बना। हम लोग हीट को मीडियम हीट रखेंगे ताकि हमारे जो चिकन है वो जल्दी से जल ना जाए। इसे बस ब्राउन करना है। फ्रेंड्स, इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करो एंड बच्चे तो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पर आप ध्यान रखिए ये आपका जो फ्राई हो तो इसका हीट मीडियम ही रहे। आँच अगर ज़्यादा तेज हो जाए हीट आपका तो इससे चिकन जल भी सकता है, तो उससे स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो चिकन है ये थोड़े से ब्राउन हो चुका है। देखिए ये बस और 2 से 3 मिनट हमें अगर फ्राई कर लें तो ये चिकन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी ये चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम लोग एक
प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के इसको निकाल लेते हैं। आप ज़रूर टिश्यू पेपर में निकालें क्योंकि इसमें जो एक्सेस ऑयल है ये इसमें सोक कर लेगा, तो आप प्लीज़ टिश्यू पेपर का यूज़ ज़रूर करें। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करते हैं। देखिए हमारे चिकन एकदम क्रिस्पी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे चिकन जो है पूरा क्रिस्पी चिकन बन चुका है। अब हम लोग इसको गार्निश करें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो मैंने नींबू पहले से बचाया था उसको मैंने गार्निशिंग पे यूज़ कर लिया और जो हमारे सैलड था उसको अच्छे से गार्निश किया है, तो कि ये लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब उसमें से हम लोग थोड़े से नींबू इसमें स्क्वीज कर देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे चिकन फिंगर, प्लीज़ इसको आप ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी डिश था, तो आप इसको बस घर में तैयार कीजिए। अगर चिकन वगैरह आपके घर में हो तो बहुत ही कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ इसको घर में ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।